नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। बीते 6 जून को जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान सूरजमुखी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे तो उन्हें बर्बर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। कई किसान नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं। किसानों का आरोप था कि सरकार की अपनी एजेंसी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन यानी हैफेड सूरजमुखी को 4800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीद रही है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा घोषित था वो 6450 रुपये प्रति क्विंटल था। न्यूज़ क्लिक से बातचीत में एक किसान ने 1 एकड़ में सूरजमुखी की फसल पर खर्चे का ब्यौरा बताया तो वो कहते हैं कि खाद, बीज, बुआई और जुताई का खर्चा मिलाकर 21040 रुपये प्रति एकड़ पहुँचता है, लेकिन इससे होने वाली कमाई तकरीबन 46000 रुपये प्रति एकड़ होगी। आपको बता दें कि इसमें परिवार की श्रम यानी मेहनत को जोड़ा नहीं गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसान और प्रशासन न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आमने सामने हुए हैं। इसी साल अप्रैल में पंजाब के किसान भी गेहूं की कीमत में वैल्यू कट को लेकर सड़कों पर थे। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु के कोयंबटूर में भी किसान चावल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सड़कों पर थे। किसान ये बार बार जताते रहे हैं कि लागत खर्चे जैसे बीज, खाद, कीड़ों को मारने वाली दवाइयों इत्यादि की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और वे अपने परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जरूरतों पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके नतीजे में वे लगातार कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री भगवंत कराड़ के जुलाई 2022 के लोकसभा में दिए गए बयान के मुताबिक किसानों के ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ का कर्जा है। आखिर क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है किसानों के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ बादल सरोज। सरोज सर ऑल इंडिया किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। बादल सर, शुक्रिया न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका मुद्दा किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तब किसानों की एक महापंचायत कुरुक्षेत्र के पीपली में चल रही है, जो वो आगे की रणनीति है उसके बारे में बात करेंगे। ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जो है सरकार ने MSP के जो रेट्स हैं वो अनाउंस किए हैं अलग अलग फसलों को लेके, जो हर एक 6 महीने पे होता है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि बहुत प्रिलिमिनरी और संक्षिप्त आप कमेंट दें कि ये जो MSP घोषित हुई उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, MSP जो घोषित हुई है उसके बारे में तो अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में हमारे जो मौजूदा हालात है उसकी एक ख़ास विशेषता है, और विशेषता ये है कि हमारे यहाँ जो सरकार चल रही है वो सरकार की एक ख़ास क्वालिटी है, और क्वालिटी ये कि वो जानते कुछ है नहीं और मानते किसी के है नहीं। ये आज़ाद हिंदुस्तान की और मेरे ख्याल से दुनिया के तमाम सारे विकासशील देशों की पहली सरकार है जिसके पास कोई भी ढंग का इकोनॉमिस्ट नहीं है, एक भी अर्थशास्त्री नहीं है। उन्हें गवर्नर रिजर्व बैंक के रूप में भी एक इतिहासकार को लाना पड़ता है, तो इन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इनके पास केवल रोकड़ी है, केवल गिनती करने वाले मुनीम है, और वो गिनती भी नोटों की जो करते हैं वो अडानी और अंबानी के नोट्स की करते हैं, बाकी जनता के पास क्या पहुँच रहा है इसके बारे में कोई परवाह इनको है नहीं। दूसरी बात यह है कि दूसरी विशेषता इनकी ये है कि भारतीय माइथोलॉजी में कहूँ मैं, अगर ये ढपोर शंख है, ये इतनी ज़ोर से बोलते हैं, आप अगर मांगेंगे कि ये चाहिए तो वो कहेंगे कि हम इससे दोगुना दे रहे हैं, लेकिन दरअसल वो देते नहीं। MSP की इस वर्तमान घोषणा के साथ यही बात है। पहली बात तो ये कि जो MSP उन्होंने बोली है वो गलत है, उसकी कैलकुलेशन गलत है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो मिलेगी कैसे, कहाँ मिलेगी? आपने कागज़ में घोषणा कर दी कि आपने वो A2+FL और 50% आपने दे दी, मिलेगी कहाँ? APMC आपने बंद कर दी, मंडियों में खरीद आपने बंद कर दी, सरकारी खरीद आपने ऑलमोस्ट नाममात्र की है। तो एक समस्या ये है कि आपके पास है ही नहीं कोई मैकेनिज्म, तो ये जो घोषणा की गई है वो घोषणा भी कम होने के बावजूद भी निरर्थक है, इसका फ़ायदा भी लोगों को मिलने वाला नहीं है, एक बात तो ये। दूसरा, हमें ये बैकग्राउंड समझनी चाहिए कि हमने MSP की शुरुआत की क्यों। 1960 के दशक में एक विशेषज्ञ कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन झा साहब थे। उन झा साहब ने ये कहा कि वो जो फूड क्राइसिस है, फूड ग्रेन्स का जो क्राइसिस है, कि हम शिप टू माउथ हैं, उस हालत को अगर दूर करना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ किसान को भी प्रेरित करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। उस मोटिवेशन के लिए चाहिए उसको MSP।
एमएसपी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही उसमें उसकी खेती में रुचि पैदा होगी, नंबर एक। और नंबर दो ये कि उत्पादन भी हमारे देश में बढ़ेगा। इस हिसाब से एमएसपी को उस दौरान लागू किया गया था और उसके कैलकुलेशन की एक दर तय की गई थी। वो बात थी एक बात। दूसरी बात यह कि अगर कोई जरा सा भी बीए इकोनॉमिक्स पास आदमी भी अगर इस गवर्नमेंट के पास होता तो वो ये जानता कि एमएसपी का मतलब है किसान की जेब में पैसा जाना, और किसान और मजदूर की जेब में पैसे जाने का मतलब है कि बाजार का चलना। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद केवल टॉप वाले लोग नहीं होते, बॉटम वाले लोग होते हैं। ये भी एक पर्सपेक्टिव था उस वक्त के 60 के दशक में। हम अपनी मार्केट को भी एक्सपेंड करना चाहते थे, तो सरकार की जो पूरी समझदारी थी वो समझदारी किसान को राहत देने, किसान को प्रेरित करने, उसके साथ साथ बाजार में गतिशीलता लाने की थी। इस सरकार की समझदारी उसमें से बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर पाते हैं तो अब ये पाते हैं कि किसानों ने अपना काम किया, आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन सरकारों ने, कोई भी सरकार रही हो, इस सरकार ने खास तौर से किसानों के साथ में विश्वासघात किया। अब अपन एमएसपी पर आते हैं। एमएसपी के मामले में स्वामीनाथन आयोग ने जिसकी सिफारिशों को लागू करने का दावा इस सरकार ने घोषणा पत्र में 2014 में किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुकर गई, उन्होंने ये कहा था कि C2 प्लस 50% के हिसाब से गणना होनी चाहिए। ये अंतर क्या है? इन्होंने जो घोषणा की है वो A2 प्लस FL प्लस 50% के हिसाब से किए, फैमिली लेबर जोड़ दिए और 50% उस पर जोड़ दिया। ये गलत गिनती है। C2 प्लस 50% में जो जोड़ता है इसके अलावा वो जोड़ता है नंबर एक कि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उसने जो ट्रैक्टर लगाया, उसने जो बोरिंग मशीन लगाई, उसने जो अपना पूंजीगत व्यय किया है उसका भी हिस्सा उसमें जुड़ना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो अपनी ज़मीन पर खेती करने की बजाय किसी दूसरे को ठेके पर देता तो उसको जो रेंट मिलता वो रेंट भी उसको मिलना चाहिए। वो 10,000 से लेकर 25,000 तक प्रति एकड़ होता है, कम से कम, ज़्यादा भी होता है। ये दोनों चीज़ें C2 प्लस 50% में ही शामिल होती हैं, जो सरकार के द्वारा की गई घोषणा में पूरी तरीके से शामिल नहीं है, उनको छोड़ दिया गया, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इनकी जो कैलकुलेशन है A2 प्लस FL प्लस 50% की, वो भी गलत है। आप 23-24 के लिए दरें घोषित कर रहे हैं और उसके लिए जो कीमत का आधार बना रहे हैं वो 21-22 का बना रहे हैं। इस बीच में पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ी है, इंसेक्टिसाइड्स की कीमत बढ़ी है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेज होते हैं वो भी बढ़े हैं। इसका मतलब ये कि आपकी अपनी गणना के हिसाब से भी उन्हें 2 साल पुरानी रेट के हिसाब से कर रहे हैं और इन्फ्लेशन की कॉस्ट को आपने उसमें शामिल नहीं किया, तो डबल घाटा है उसमें। एक तो C2 प्लस 50% नहीं मिला और दूसरा ये कि जो मिला वो भी पुरानी रेट के हिसाब से मिला। तो ये जो घोषणा है वो पूरी तरीके से गलत है, एक बात हुई है। अब अपन आते हैं उस पर कि ये घोषणा क्या की है उन्होंने, हमारे हिसाब से कितना अंतर है। जैसे धान के लिए उन्होंने एमएसपी की घोषणा की है 2,183 रुपये, हमारे हिसाब से C2 प्लस 50% के हिसाब से होनी चाहिए थी 2,866 रुपये। मतलब प्रति क्विंटल उनको नुकसान हो रहा है 683 रुपये। सरकार ने जो एस्टिमेट किया है, सरकार का ये मानना है कि एक हेक्टेयर पे 4 टन धान पैदा होता है मिनिमम, ज़्यादा ही पैदा होता है। लेकिन 4 टन की भी कैलकुलेशन अगर अपन मान लें तो एक हेक्टेयर का अगर जोड़ लगाते हैं हम तो एक हेक्टेयर पर इसकी वजह से 27,340 रुपये का नुकसान हो रहा है। और 5 एकड़ की अगर औसत ज़मीन हम मान लेते हैं तो ये कम से कम 54,000-55,000 रुपये प्रति, मतलब हर किसान को नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान है, तो आप कह रहे हैं कि आपने उनको बड़ी राहत दे दी, आपने राहत नहीं दी, दरअसल उसको घाटे में पहुँचा दिया। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे ना, मतलब हम बाकी बुनियादी सवालों पे बाद में लौटेंगे। एक सवाल बस मैं, मेरे दिमाग में आया क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में हमने मंदसौर वाली घटना देखी थी जहाँ पे जो है शिवराज सरकार ने किसानों पे गोलियां चलाई थी, जब वो लहसुन की कीमतों और बाकी सारी चीज़ों की मांग। बहुत संक्षिप्त में आपसे चाह रहा हूँ कि ग्राउंड पे अभी मध्य प्रदेश या बाकी जगहों पे क्या स्थिति है, कि किसान किस तरीके से जो है इस पूरे क्राइसिस से डील कर रहा है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो क्या अपना दुख दर्द जो है जो आपको बताते हैं? देखिए, किसान शॉक्ड है, हतप्रभ है। पिछले 5 दिन में मध्य प्रदेश में 3 किसानों ने आत्महत्या किया और तीनों किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण यही था कि उनकी फसल ठीक ठाक पैदा हुई थी लेकिन उनको बाजार में उसकी कीमत नहीं मिल रही थी। तो APMC के खत्म होने के बाद, जो आपने उसका मंदसौर का जो जिक्र किया, मंदसौर में भी समस्या यही थी कि 40 रुपये किलो लहसुन की कीमत थी 3 दिन पहले तक, और जब वो बेचने के लिए जाता है तो वो 4 रुपये किलो रह जाती है। और इस बार
लहसुन की फसल के वक्त वो 1 रुपये किलो हो गई थी। तो किसान की लागत तो छोड़िए, किसान मतलब जो चीज़ खरीद के उसने जो बीज वगैरह बोए थे उसकी भी कीमत बाहर नहीं निकल पा रही, बहुत शॉक्ड है और बहुत ही हतप्रभ है और मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मध्य प्रदेश में एक योजना उन्होंने बीच में लागू की थी मंदसौर के बाद, खासतौर से 52 की योजना, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने बीच में। तो आज स्थिति यह कि किसान मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और इसीलिए दो रास्ते हैं, एक रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश हम लोग करते हैं कि वो लड़े, यूनाइटेड हो, और दूसरा रास्ता है जो डेस्परेशन का, जो अभी 5 दिन में 3 आत्महत्याओं के रूप में आया, तो बहुत बेचैनी है किसानों में और उसका खामियाजा 2023 और 2024 के चुनाव में सरकार भुगतने वाली है। चुनावी समीकरण पे हम बाद में लौटेंगे। अब आते दूसरे सवाल पे, है ना, इस देश में जो बड़ी आबादी है किसानों की वो छोटे किसानों की है। अगर हम आपकी मांग मान भी लेते हैं कि C2+50 के अनुसार 50% के अनुसार आप किसानों को दीजिए, तो भी हम ये पाएंगे कि उनके पास प्रति महीने की जो आमदनी होगी वो तकरीबन 10,000 के लगभग के होगी, और ये जो भी आमदनी है वो उनकी हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में फिर मेरा सवाल यही आता है कि अगर मान लीजिए उनको MSP मिल भी जाती है तो उनकी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा? बदल तो कुछ रहा है नहीं, तो फिर MSP क्यों चाहिए? आप एक महत्वपूर्ण बात इसमें भूल गए। हाँ। और महत्वपूर्ण बात ये भूल गए कि इस देश का लगभग 70% किसान ऐसा है जो फसल अपने खाने के लिए पैदा करता है, उसे MSP से कोई फायदा होने वाला भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि उसको तो बेचने के लिए जाना भी नहीं है, जबकि बाकी की सारी चीज़ें जो आपने बताई उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारा कहना है कि भाई हमें डायलिसिस नहीं चाहिए, हमारी जो किडनियाँ तुमने निकालनी है उन किडनियों को लौटा दो, हमें डायलिसिस नहीं चाहिए। ईमानदारी से कहना है कि हमें MSP नहीं चाहिए। सरकार ने जो कॉस्ट बढ़ा दी है उस कॉस्ट को कम करके आप सब्सिडी बढ़ाइए लोगों के लिए, खाद पर, बिजली पर, बीज पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, आप किसान की लागत को अगर घटा देंगे तो हमें ये MSP का झंझट चाहिए नहीं। आज से मतलब अगर 1960 की बात ही हम लोग ले लें तो एक ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि 1960 में एक ट्रॉली भर के किसान जब मंडी में जाता था तो कितना डीजल पेट्रोल के लायक पैसा वो कमाता था, आज कितना वो कमा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसान की मुख्य ज़रूरत है उसकी खेती की लागत को बढ़ाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको उल्टा करना। डायलिसिस नहीं चाहिए, किडनी वापस चाहिए, और किडनी वापस चाहिए अगर तो उसके लिए सरकार कर सकती है इस काम को। आप और MSP में भी एक लोचा और है, MSP में आप अगर खरीद भी लेंगे तो करेंगे क्या उसका? जब तक आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, और सरकार ये कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म था उसको भी ख़त्म कर रही है, राशन की जो प्रणाली थी PDS की वो आपने ख़त्म कर दी, तो किसान को तो नुकसान होगा ही ना, जब वो परचेजर के रूप में उपभोक्ता के रूप में जाएगा तो उसको वो घाटा ही होगा। इसलिए बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादातर किसानों को खेती को अगर बचाना है, और बहुमत किसान इसमें वो लोग हैं जिनके पास छोटी खेती है, जिनका मंडी से कोई ज़्यादा रिश्ता है भी नहीं, उन्हें अगर बचाना है और उनको एक आम नागरिक के नाते स्वास्थ्य और शिक्षा और बाकी की सुविधाएं मुहैया कराना है तो सरकार को लागत को घटाना पड़ेगा, और वो लागत बढ़ाने का काम सरकार ही कर सकती है क्योंकि स्टेट फंडिंग के बिना वो संभव नहीं है, तो सब्सिडीज वगैरह को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो आपका ये सवाल था उससे इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब देश भर के जो किसान है ना वो अभी इस बात पे सहमत है कि MSP के लिए आप एक कानून बनाइए, उस कानून के तहत या तो सरकार खरीद करे या फिर प्राइवेट ट्रेडर अगर खरीद करता है तो उस कीमत से नीचे की खरीद ना हो। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आप एक ऐसा कानून बना भी देते हैं तो उस कानून का कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा? मैं ये बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं साईनाथ की किताब पढ़ रहा था, तो साईनाथ जो है तमिलनाडु में मिर्ची उगाने वाले किसानों की बात कर रहे हैं जी। और वो ये कह रहे हैं कि जो सारा जो तंत्र है इसका, वो उसका जो कंट्रोल है वो बड़े जो व्यापारी हैं उनके हाथ में है, और नीचे का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से लचर है। तो अगर आप कोई कानून बनवा भी लेते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे? वो तो होना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक झंझट रहेगा उसमें। लेकिन मैं एक बात याद आपको दिला रहा हूँ कि 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में जब LK झा साहब की कमेटी ने ये पॉलिसी घोषित की थी कि हम MSP की नीति को लाएंगे, उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, MSP की गारंटी दी जाएगी। पॉलिसी में भी गारंटी शब्द शामिल था, लेकिन गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी का मतलब यह है कि आपके पास अगर एक बोरी भी है तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उसको खरीदा जाए।
वो खरीदी का मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, सरकार खरीदना नहीं चाहती, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहती है। बड़े पैमाने पर अडानी ने अपने साइलो खड़े कर दिए हैं और ये लोग इस ट्रेड में आ गए, हालत और भी ख़राब होगी। दूसरा इसका एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट, मतलब एक अर्थशास्त्रीय पहलू ये भी है कि जब भंडार में ज़्यादा अनाज इकट्ठा हो जाएगा, चाहे वो FCI का भंडार हो चाहे वो अडानी का भंडार हो, तो जाहिर है कि बाकी के अनाज की कीमत कम होगी। तो सरकार से हम जिस MSP के गारंटी के कानून की मांग करते हैं, वो स्वामीनाथन आयोग की दोनों रिकमेंडेशन को जोड़ के, नंबर एक खरीद की जाए, नंबर दो सब्सिडाइज रेट्स पर जनता के बीच में उसको बांटा जाए। तो अगर जनता के बीच में वो सब्सिडाइज रेट पर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अकूत मुनाफा कमाने की संभावना नहीं बचेगी। सरकार इस काम को नहीं कर रही, लेकिन लाखों टन अनाज, अभी 12 करोड़ टन अनाज सरकार के गोदाम में जमा है, वो लाखों टन अनाज यूक्रेन में या दूसरी जगह पर, यूक्रेन के संकट के बाद से दूसरी जगह पर भेज रही है, शराब बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए, डीजल पेट्रोल बनाने के लिए, लेकिन अपने देश की जनता को दिए जाने वाले राशन के अनाज में कटौती कर रही है। तो गारंटी का मतलब है आपको दोनों पहलुओं को देखना है, खरीदना भी है और उसके बाद लोगों के बीच में बांटना भी है। उसके बारे में सरकार के पास कोई पॉलिसी है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप लोग महाराष्ट्र में भी जो है एक बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं आदिवासियों के बीच में पर्टिकुलरली, कि ये जो पट्टे हैं वो उनको दिए जाएं और वो दोनों ही कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो खेती के लिए भी हो और घर बनाने के लिए भी हो सकते हैं। इससे जो जुड़ा हुआ जो मेरा जो सवाल है वो ये है, वो ये है कि लेट से अगर आप मान लीजिए सरकार से पट्टा ले भी लेते हैं और अगर वो पट्टा इतना छोटा है कि उससे कोई आमदनी नहीं होनी, घर की बात के लिए समझ में आता है कि घर बनाना है तो उसके लिए आप जो है उनको ज़मीन दीजिए और वो अपना घर बनाएंगे, लेकिन अगर आप खेती के लिए भी ज़मीन देते हैं तो उनसे कितनी आमदनी होगी? तो इससे जो जुड़ा वो मेरा जो सवाल था वो ये कि आप लोगों की बड़ी मांग किसान आंदोलन की इस देश में हमेशा से भूमि सुधारों की रही थी, आपको लगता है कि ये मांग अब टिकती है कहीं? नहीं, ये मांग तो बहुत टिकती है अभी भी, हालांकि दूसरी वाली समस्या बिल्कुल कायम है कि छोटे पट्टे मिलने से उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होने वाली, उसके लिए और भी उपाय सरकार को उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये बिल्कुल वैसी बात है कि उसको उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है, लेकिन अभी वो प्यास से मरा जा रहा है, डिहाइड्रेटेड है, तो कम से कम हैंडपम्प का पानी अगर उसको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये कि लैंड रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, पश्चिम बंगाल और केरल को अगर छोड़ दिया जाए, हिमाचल में भी कुछ हद तक हुए हैं, बाकी के पूरे हिंदुस्तान भर में लैंड रिफॉर्म अभी लागू नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स अगर लागू होते हैं तो हमारी कैलकुलेशन, 12 साल पहले हम लोगों ने सरकार को एक मेमोरेंडम मध्य प्रदेश में दिया था, हमने कहा था कि ये फॉरेस्ट लैंड छोड़ दीजिए, लेकिन जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, जो रेवेन्यू लैंड है, जो सरप्लस लैंड है, अगर ये बांटी जाती है तो मध्य प्रदेश के भूमिहीन लोगों में 5-5 एकड़ ज़मीन बांटी जा सकती है, तो वो ज़मीन कम नहीं होती पहली बात, इसलिए वो ज़मीन आप बांटिए। फिर आप ज़मीन जब बांटते हैं तो हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है कि हमारी नीतियाँ इस हिसाब से बनेंगी कि सबसे नीचे वाले आदमी को फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो जब आप उसको लैंड दे रहे होते हैं तो उस लैंड के डेवलपमेंट के लिए बाकी के भी मेजर्स आप दे रहे होते हैं, तो ये एक समग्र नीति का हिस्सा है, पूरी एग्रेरियन पॉलिसी का हिस्सा है। ये केवल कृषि का या भूमि के बंटवारे का सवाल नहीं है, ग्रामीण आबादी को के जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में आपकी योजना क्या है, इसका प्रश्न है। इस सवाल पर 2014 के बाद से नीति आयोग पूरी तरीके से उल्टी दिशा में चल रहा है। उन्होंने कोरोना के दौरान इस बात की घोषणा की थी कि ये सही समय है जब हमें गाँव को खाली कराना चाहिए, शहरी आबादी बढ़नी चाहिए और गाँव में बड़े पैमाने पर खेती, मतलब वो कॉरपोरेट खेती को ले जाना चाहिए। ये बात उन्होंने, उनके कोई शशिकांत जी थे, उन्होंने बकायदा घोषित रूप से कही थी। तो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। महाराष्ट्र में दो तरीके की ज़मीन है, एक तो आदिवासियों की ज़मीन है, दूसरी ज़मीन मंदिर की और मस्जिद की देवस्थान की है। और ये ज़मीन के साथ अच्छी बात यह है कि जिन इलाकों में ये ज़मीन है वहाँ पर इरीगेशन की समस्या उतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है, इसलिए वो केवल उतनी छोटी ज़मीन भी अगर मिल जाती है तो कम से कम आज की स्थिति से तो वो बेहतर होंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे बादल सरोज, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ।